हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम संतोष सिंह। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव टू टीच यू योर साइंस बुक एंड आई सपोज दैट यू विल हैव बीन कंप्लीटेड अप टू चैप्टर 8 एज इट हैज बीन टोल्ड। बेटा, मुझे जैसे बताया गया है कि आप चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर चुके होंगे एंड नाउ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लेसन 9। सो प्लीज ओपन योर साइंस बुक चैप्टर 9 एयर अराउंड अस, पेज नंबर इज 67। लेट अस रीड। हियर इज रिटन एयर अराउंड अस। द चैप्टर्स नेम इज एयर अराउंड अस, मतलब हमारे चारों तरफ जो है हवा है, हम हवा से चारों तरफ जो है गिरे हुए। देखिए इस पीले वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है, एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर इज ऑल अराउंड अस, हवा हमारे चारों तरफ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इट हैज नो कलर, इसका कोई रंग नहीं है। स्मेल, इसकी कोई महक नहीं है। और टेस्ट, या इसका कोई टेस्ट नहीं है। ठीक ना, इट हैज नो कलर स्मेल और टेस्ट, इसका कोई रंग स्वाद या महक खुशबू नहीं है। वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को देख नहीं सकते, बट वी कैन फील इट, लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। चलिए लेसन पढ़ा जाए। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। सभी जीवित वस्तुओं को सांस लेने की आवश्यकता होती है, सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, नीड एयर, हवा की आवश्यकता होती है। किस लिए? टू ब्रीथ, श्वसन क्रिया करने के लिए सभी सजीव वस्तुओं को हवा की आवश्यकता होती है। ठीक है, लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एयर, यानी बिना हवा के जीवन का अस्तित्व नहीं है। एयर कंटेन्स मैनी थिंग्स, हवा में बहुत सारी चीजें होती है। लेट अस सी, आइए देखते हैं व्हाट एयर कंटेन्स, कि हवा में क्या क्या होता है, या हवा में कौन कौन सी चीजें मिली होती है। लेट अस सी, व्हेन वाटर इज हीटेड। ठीक है, व्हेन वाटर इज हीटेड, जब पानी को गर्म किया जाता है, यू सी सम हॉट गैस, तो आप कुछ गर्म गैसें देखते हैं। कैसे देखते हैं? राइजिंग फ्रॉम द विजल। विजल मीन्स यहाँ पे पतीला है, भगोना, कुछ भी कह दीजिए। राइजिंग, उठते हुए, फ्रॉम द विजल, उस पतीले में से जिसमें पानी गर्म किया जा रहा है, आप क्या देखते हैं? यू सी सम हॉट गैस राइजिंग फ्रॉम द विजल, उस पतीले में से कुछ गर्म गैसें निकलते हुए आप देखते हैं। दिस इज नोन एज वाटर वेपर, इसे जो है जल वाष्प के रूप में जाना जाता है। ठीक है, दिस वाटर वेपर मिक्सेस विद एयर, और यह जो जल वाष्प होती है ना, वाटर वेपर जो होती है, मिक्सेस विद एयर, हवा में मिल जाती है। बट वी कैन नॉट सी इट, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हम। सो वी नो दैट एयर हैज वाटर वेपर, अब हमें पता चल गया क्या, दैट एयर हैज वाटर वेपर, कि हवा में जल वाष्प मिली होती है। देखिए वो सामने फिगर में, पतीले में से जो है निकल रहा है ना, भगोने में से निकल रहा है, जल वाष्प निकल रही है, दैट इज वाटर वेपर। चले अपने सेंटेंस पे। व्हेन द फ्लोर इज क्लीन, जब फर्श को साफ किया जाता है, व्हेन द फ्लोर इज क्लीन, जब फर्श साफ किया, नहीं झाड़ू जब लगाई जाती है, ठीक ना, डस्ट राइजेज, तो धूल उछती है, ठीक ना, डस्ट राइजेज एंड गोज इनटू एयर, जब कभी फर्श साफ की जाती है तो धूल उछती है और ये हवा में चली जाती है। डस्ट, एयर हैज डस्ट, इससे पता चलता है कि हवा में डस्ट भी मिली होती है, धूल भी मिली होती है। व्हेन समथिंग इज बर्न्ड, जब कोई चीज जलाई जाती है, व्हेन समथिंग इज बर्न्ड, जब कोई चीज जलाई जाती है,
और ए फायर इज लिट या कोई आग जलाई जाती है, स्मोक राइजेस तो क्या होता है, धुआं उठता है, ठीक ना, धुआं उठता है। दिस स्मोक गोज इनटू द एयर और यह जो धुआं है ना गोज इनटू द एयर हवा में चला जाता है एंड मिक्सेस विद इट और उस हवा में मिल जाता है, धुआं जो है ऊंचा उठता है हवा में जाता है उसमें मिल जाता है, ठीक है। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट एयर मे कंटेन वाटर वेपर डस्ट एंड स्मोक, क्या कह रहा है, कह रहा है देयरफॉर वी कैन कंक्लूड, इस प्रकार से हम इनको शामिल कर सकते हैं हवा में, किसको, दैट एयर में कंटेन की हवा में हो सकती है, क्या हो सकती है, वाटर वेपर हो सकती है, जलवाष्प हो सकती है, डस्ट धूल हो सकती है एंड स्मोक और धुआं, ठीक ना, वायु हो सकती है। बट द एयर लेकिन वो हवा विच हैज डस्ट जिसमें धूल मिली हो, स्मोक धुआं मिला हो एंड डर्टी इज डर्टी वो खराब होती है, ठीक ना। बट द एयर विच हैज डस्ट एंड स्मोक इज डर्टी, लेकिन वो हवा जिसमें धूल मिली हो धुआं मिला हो वो खराब होती है, बुरी होती है, ठीक है। क्लीन एयर साफ हवा कौन सी होती है, वी नीड टू ब्रीथ क्लीन एंड फ्रेश एयर टू स्टे अलाइव, टू स्टे अलाइव हमें जीवित रहने के लिए कैसी हवा चाहिए और सांस लेने के लिए, क्लीन एंड फ्रेश एयर हमें साफ और ताजी हवा चाहिए, ठीक है। इफ वी ब्रीथ डर्टी एयर यदि हम गंदी हवा की सांस लेंगे, इफ वी ब्रीथ डर्टी एयर यदि हम सांस में गंदी हवा लेंगे, वी आर मोर लाइकली टू डेवलप हेल्थ प्रॉब्लम्स, वी आर मोर लाइकली टू डेवलप हेल्थ प्रॉब्लम, तो हमारे सामने तमाम समस्याएं आ जाएंगी, शारीरिक समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं आ जाएंगी एंड बिकम इल और हम बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस देख लीजिए, इफ वी ब्रीथ डर्टी एयर यदि हम सांस गंदी हवा में लेंगे, वी आर मोर लाइकली टू डेवलप हेल्थ प्रॉब्लम, तो हमारे सामने तमाम स्वास्थ्य समस्याएं आ जाएंगी एंड बिकम इल और हम बीमार हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलिए, द डस्ट इन द एयर कैरीज जर्म्स विद इट, जो डस्ट होती है ना हवा में जो धूल मिली होती है क्या करती है, वो कैरीज जर्म्स विद इट अपने साथ तमाम जो जर्म्स कीटाणुओं को लेकर के आती है, विषाणुओं को लेकर के आती है, ठीक है ना। दीज जर्म्स कॉज इन्फेक्शन और ये जो जर्म्स होते हैं ना वो इन्फेक्शन यानी संक्रामक रोगों के कारण बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए फिगर में दिया हुआ है एक बच्चा जिसका नाम है रोनी, वो जो है यात्रा कर रहा है ट्रेन में, तो क्या हो रहा है चलिए देखिए, चलिए लेट अस सी। रोनी गॉट एन इन्फेक्शन, रोनी को इन्फेक्शन हो जाता है, गॉट एन इन्फेक्शन उसे इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रामक रोग हो जाता है, कैसे, वाइल ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन, जब वो ट्रेन में यात्रा कर रहा है तो उसे इन्फेक्शन हो जाता है, कैसे होता है चलिए देखते हैं, या फिगर में देखिए, ए पैसेंजर स्नीजिंग एंड रोनी सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, कोई पैसेंजर जो है कोई यात्री स्नीजिंग छींक रहा है एंड रोनी सिटिंग नेक्स्ट टू हिम और रोनी उसके ठीक बगल में बैठा हुआ, जर्म्स एंटरिंग रोनीज बॉडी और वो जो जर्म्स है उसके छींक से निकले हुए वो रोनी की बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए, रोनी स्टार्ट्स स्नीजिंग, रोनी जो है स्नीजिंग यानी छींकना शुरू कर देता है एंड कफिंग और खांसना शुरू कर देता है, आफ्टर टू डेज और दो दिन के बाद रोनी फॉलिंग सिक इन बेड, रोनी जो है बीमार हो जाता है, बिस्तर पर जाता है, ठीक है। हियर आर सम ऑफ द कॉजेस दैट लीड टू एयर बिकमिंग अनक्लीन, हियर आर सम ऑफ द कॉजेस यहाँ पे कुछ कारण बताए जा रहे हैं, दैट लीड टू एयर बिकमिंग अनक्लीन जो हवा को गंदा करते हैं, कौन कौन से जैसे देखिए, ए
स्मोक फ्रॉम फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं, ये देखिए धुआं निकल रहा है। स्मोक फ्रॉम व्हीकल, ये गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, ये सब क्या कहते हैं, हवा को गंदा करते हैं। ठीक है क्या, यहाँ देखिए पीले वाले इस सर्किल में क्या लिखा है, यहाँ लिखा है एयर पॉल्यूशन लिखा है ना। डू यू नो, क्या आपको पता है, एयर पॉल्यूशन इज एनदर नेम फॉर डर्टी एयर। एयर पॉल्यूशन इज एन अदर नेम फॉर डर्टी एयर। एयर पॉल्यूशन यानी कि हवा प्रदूषण, वायु प्रदूषण इज एनदर नेम ऑफ फॉर डर्टी एयर। गंदी हवा के लिए जो एक नया नाम दिया गया, दूसरा नाम दिया गया क्या है, एयर पॉल्यूशन, वो है वायु प्रदूषण। ठीक है, उसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, आप इसे फिर से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको। That's all. Thank you.